हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। ओके, मतलब ये बताना है कि ये चार जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसमें बताना है कि ये जो x प्लस 1 है किसका फैक्टर है और किसका नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये दिया हुआ है इसका रूट निकाल लेंगे। और रूट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक इसको 0 को इक्वल करेंगे और यहां पर x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। x कितना हो जाएगा यहाँ पे, x विल बी इक्वल टू -1। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, -1। अब आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को, x का जो वैल्यू -1 आया, इस सब में 1/1 पुट करके चेक करना है, जिसमें इस x का वैल्यू -1 डालने के बाद जिसका टोटल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 0 अगर आ जाता है, दैट मींस उस पॉलिनोमियल के लिए x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं 1/1। यहां पर p -1 हम डाल के देख लेते हैं इसमें, तो क्या आएगा, x क्यूब। तो -1 का जो x क्यूब होगा -1 ही होगा, और x स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा, और यहां पर x -1 है तो ये -1 होगा और +1 होगा। अब हम इसको देखते हैं, तो यहां पर +1 -1 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, 0। चलो ये 0 आ गया, दैट मींस कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, जिसका जिसका आएगा तो हम यहां लिख लेते हैं कि यस। अब हम सेकंड में आते हैं, सेकंड में हम देख लेते हैं, यहां पर x 4 है तो x, यहां पर p का वैल्यू यहां अगेन -1 पुट करना है, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे वैल्यू, तो x 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 होगा, 1। ओके, और ये क्यूब है तो x का जब वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 होगा, x स्क्वायर है तो यहां पर +1 हो जाएगा। ओके, और यहां पर प्लस x है तो -1 होगा और +1। यहां वैल्यू कितना होगा, +1 -1 कैंसिल आउट, +1 और -1 कैंसिल आउट, लेकिन 1 बच गया मेरा। ये 0 नहीं आया, मींस कि x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो यहां पर हम लिख लेंगे नो। अब आते हैं यहां पर, अगेन यहां पर p का वैल्यू हम -1 डाल के देखते हैं, तो ये x का वैल्यू 4 है तो वो 1 हो जाएगा, 3x क्यूब है तो ये -1 आएगा, सो ये -3 होगा इसका वैल्यू, और ये x स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3, और यहां x है तो -1 +1, तो -1 और +1 कैंसिल आउट होगा। ओके, 3 और -3 कैंसिल आउट होगा, अगेन यहां पर भी 0 मेरा नहीं आया, 1 आ गया, मीन्स की x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अगेन फाइनली यहां पर हम p का वैल्यू -1 डाल के चेक कर लेते हैं, तो यहां पर अगेन ये x क्यूब है तो -1 हो जाएगा, और यहां पर x का वैल्यू x स्क्वायर है तो +1, लेकिन यहां साइन माइनस है तो -1 ही रहेगा, और माइनस, और ये अंदर में 2 + √2 है, और x का वैल्यू माइनस है तो −1 + √2। फाइनली इसको हम करके देखते हैं, -1। ओके, -1, और यहां पर -1 का हम माइनस भी रखते हैं, और इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये -2 हो जाएगा, और ये -√2 हो जाएगा, इस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा, +√2। ओके, अब यहां पर ये हम ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज, माइनस है ना तो इसका साइन भी चेंज होगा बच्चों, -(-). अब ब्रैकेट हटेगा तो ये फाइनली साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ माइनस था तो -(-), अगेन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और फाइनली वन मोर स्टेप, ये -2 हो जाएगा और ये +2। ओके, और ये +√2। ओके, और ये +√2, तो फाइनली आपका कितना हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये 2√2 हो गया, मींस कि ये भी नो होगा, 0 नहीं आया ना तो नो होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये पी एक्स है और ये जी एक्स है, सबका पी एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें आपको बताना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके कि ये जो जी एक्स है ये पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये जी एक्स है उसका हम रूट निकालेंगे, मतलब कि एक्स प्लस 1 जो है उसको हम 0 के इक्वल करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट पहले कर लेंगे। तो एक्स का वैल्यू यहाँ मेरा क्या आया, -1। अब इस -1 का वैल्यू हम पी एक्स में पुट करेंगे, पी यहाँ पर -1 डालेंगे, और अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है दैट मीन्स कि दिस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स, तो
तो चेक कर लेते हैं माइनस वन डालकर, यहां पे क्या होगा टू, ओके, और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा टू एक्स, माइनस वन का क्यूब क्या होगा माइनस वन ही होगा, ओके, दैट मीन्स कि टू इंटू माइनस वन प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन, तो वन हो जाएगा, और यहां माइनस वन है और यहां पर माइनस टू एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टू, और ये माइनस, ये तो माइनस वन आएगा ही, ओके. नाउ हम आगे देखते हैं, टू इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, ओके. अब यहां पर हम कर लेते हैं प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, प्लस टू माइनस टू कैंसिल आउट, बचा क्या मेरा जीरो, एंड जीरो जो है tx का वैल्यू आ गया, दैट मीन्स कि ये जो gx है वो px का क्या है फैक्टर है, यस yes. अब इसी तरह से यह सेकंड में हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे रूट निकालेंगे, और रूट निकालने के लिए इसको किसके इक्वल करेंगे जीरो का, और x का वैल्यू यहां निकाल लेंगे कितना है माइनस टू. अब इसको वैल्यू यहां पुट करेंगे p माइनस टू पुट करके इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो माइनस टू का आप क्यूब कर लो प्लस थ्री इंटू, थ्री इंटू एक्स के जगह कितना रखना है माइनस टू का स्क्वायर, प्लस थ्री इंटू माइनस टू, एक्स का वैल्यू माइनस टू है प्लस वन, लेट सी यहां पर कितना हो जाएगा माइनस टू का क्यूब है तो ये माइनस एट होगा, ओके, प्लस अब ये माइनस टू का स्क्वायर फोर होगा, और फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ओके, फोर थ्री जा ट्वेल्व, प्लस अब यहां पर थ्री इंटू टू माइनस टू है तो माइनस सिक्स, और यहां पर क्या होगा प्लस वन, एंड दिस विल बी इक्वल टू, आप बॉड मास के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो यू विल गेट माइनस वन. तो अगेन यहां पर ये जो माइनस वन वैल्यू आया ये नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो का इक्वल नहीं है, और इसीलिए दिस जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे नो. सिमिलरली हम यहां यूज करते हैं, यहां पर हम पहले क्या निकालेंगे इसका रूट, तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा थ्री. अब हम थ्री को पुट करेंगे कहां पी एक्स के जगह पर, थ्री यहां लिखेंगे, और इसका वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे, तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर थ्री का क्यूब माइनस फोर, अब एक्स स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, और नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, और यहां पर क्या है थ्री है प्लस थ्री, ओके, और प्लस सिक्स, टोटल आप करोगे तो यू विल गेट यहां पर कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टी सिक्स, ओके, प्लस थ्री प्लस सिक्स, आई मीन फाइनली यू विल गेट ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री प्लस सिक्स, दैट विल बी इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स, अगेन इट इज इक्वल टू जीरो. तो जीरो आ गया मीन्स दिस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो यहां पर क्या लिख देना आपने यस. क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू बताना है इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ये चार केस आपको दिए हुए हैं, चारों केस में बोला जा रहा है कि एक्स माइनस वन जो है, एक्स माइनस वन ये चारों का फैक्टर है, तो अगर ऐसा है तो आपको के का वैल्यू बताना है, इसमें एक कॉन्स्टेंट पार्ट सब में एक एक आपको के दिखाई देगा, उस के का वैल्यू आपको बताना है. तो बच्चों आपको पता है कि अगर दिस पॉलिनोमियल x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल दिस, मीन्स कि x का जो रूट होगा, जो रूट वैल्यू आएगा इसका, रूट x का जो वैल्यू आएगा जीरो इक्वल करने के बाद, तो रूट पहले हम निकाल लेते हैं इसका, और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा वन. तो ये जो रूट इसका जो आया, चूंकि ये x माइनस वन सबका फैक्टर है, तो इसका वैल्यू अगर हम सब में डालेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. ओके, तो हम सबको सब में x का वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, और इस प्रोसेस से सबका हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. हम पहला में देखते हैं, चूंकि x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो इसका जो वैल्यू आया x, इसका जो रूट आया वन, इसको अगर यहां पर हम पुट करेंगे मीन्स कि ये इसका जो वैल्यू है ये कितने के बराबर हो जाएगा जीरो आएगा, जीरो आएगा, इट विल इक्वल टू जीरो, चूंकि ये इसका फैक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम मीन्स कि दिस इक्वल टू जीरो. तो यहां से आप ऐसे कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व, अब यहां पर एक्स का वैल्यू पुट करना हमें कितना वन, तो वन का स्क्वायर कितना होगा वन, प्लस प्लस वन, एक्स का वैल्यू वन, तो वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो, देन अब यहां पर के मेरा बच गया कि यहां, और वन प्लस क्या हुआ वन टू, तो ये जब इक्वल होगा तो इधर आकर जीरो माइनस टू हो जाएगा, जीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू,
ये इसका k का वैल्यू हुआ आंसर। ओके सिमिलरली यहां पर हम आएंगे, इसका वैल्यू जो है रूट है यहां पर हम पुट करेंगे, यहां वन का वैल्यू पुट करके अगर करेंगे तो इसका वैल्यू टोटल कितना होगा, जीरो हो जाएगा इसका भी, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ठीक है, अब ये टोटल जो वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल टू जीरो। अब इसको आप सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो यहां पर x का वैल्यू डालना है वन, तो टू स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू प्लस के एक्स, एक्स यहां पर कितना है वन, तो ये के हो जाएगा के इंटू वन के प्लस रूट टू इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। दैट मीन्स यहां पर जब हम के निकालेंगे के विल बी इक्वल टू ये इधर जाएगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो माइनस टू हो जाएगा और प्लस रूट टू इधर आएगा तो माइनस रूट टू। ये आप इसको अगर कॉमन ले लोगे माइनस को तो टू प्लस रूट टू आंसर आएगा इसका, इसमें के का वैल्यू ये होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में भी बच्चों हम क्या करेंगे सेम, यहां पर एक्स का वैल्यू कितना डालेंगे वन, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहां पर एक्स का वैल्यू जीरो डालेंगे वन डालेंगे तो कितना हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर, मतलब वन स्क्वायर वन, तो मीन्स यहां पर वन ही होगा और यहाँ x जो है वन है तो अंडर रूट टू इंटू वन रूट टू प्लस वन और दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ओके तो यहां पर इसका वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे k का वैल्यू, तो k जब राइट साइड में सभी जाएंगे इसके जो फैक्टर्स हैं तो ये माइनस टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू और ये प्लस वन राइट साइड जाएगा तो माइनस वन, ये इसमें इसका आंसर k का वैल्यू ये होगा। ओके फोर, फोर में भी हम यहां पुट करते हैं p इंटू एक्स का वैल्यू कितना वन, तो ये पुट करने पे इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मीन्स इट विल बी इक्वल टू k और एक्स स्क्वायर वन का वैल्यू कितना होगा वन ही होगा तो ये k रह जाएगा माइनस थ्री इंटू थ्री इंटू वन थ्री होगा तो माइनस थ्री प्लस के एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। सो अगेन यहां पर हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों यहां पे k प्लस के ये आपका कितना हो जाएगा 2k, 2k माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, अगेन यहां पर हम 2k करेंगे तो 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर जब आएगा राइट साइड माइनस साइन तो ये प्लस थ्री हो जाएगा और अगेन फाइनली k का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो टू बी इक्वल टू थ्री अपॉन टू, दिस इज योर आंसर। फैक्टराइज, ये जो फैक्टराइजेशन हम सब करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। ओके तो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है, मिडिल टर्म स्प्लिट का एक स्पेशल एक वीडियो वहां से आपको मिल जाएगा डिटेल। फिलहाल यहां पर हम इसको देखते हैं फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, हमें ए और सी आई मीन पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इंटू 1, 12x स्क्वायर हो जाएगा तो 12x स्क्वायर, अब बीच का जो टर्म है माइनस 7x है तो हमको इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि प्लस या माइनस करने पे माइनस 7 आए और जब उसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12x स्क्वायर आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो 12x स्क्वायर ओके और माइनस 4x ओके और माइनस 3x प्लस 1 ऐसे कर लेंगे, अब ये मेरा हो जाएगा। अब उसके बाद हम कॉमन लेंगे, अब इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे फिर इसके बाद इसमें लेंगे, तो इन दोनों में क्या है 4x कॉमन है, 4x इसमें से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 1 और यहां पर साइन माइनस है तो माइनस साइन देंगे और यहां पर 3x प्लस 1 है तो 1 कॉमन होगा 1 लेंगे, माइनस हम ले लिए हैं तो ये 3x हो जाएगा और यहां पर ये साइन माइनस हो जाएगा। अब अगेन इन दोनों में अब इसमें और इसमें क्या फैक्टर कॉमन है 3x माइनस 1 तो 3x माइनस 1 यहां ले लेंगे और क्या बचा यहां पे 4x बच गया और यहां पर जो माइनस है वो यहां रखेंगे दैट इज फैक्टराइजेशन। अब 2 का आते हैं तो 2 का भी सेम यहां पर हम तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर ओके और यहां मेरे को 6x स्क्वायर लाना है तो वेरी इजी प्लस देखो 6x प्लस x 7x आ जाएगा ना, मतलब स्प्लिटिंग मेरा सही हो गया। अगेन अब हम इन दोनों में इस दोनों में क्या लेंगे कॉमन तो इस दोनों में क्या 2x कॉमन है तो क्या बचा यहां पर 2x आने के बाद x प्लस यहां पर बच गया क्या 3 ओके और प्लस अगेन यहां पर 1 कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसमें इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको x प्लस 3 तो x प्लस 3 को आप कॉमन ले लो और उसके बाद क्या बच गया यहां पे 2x प्लस 1 ये इसका आंसर है। 3 में का क्या करना है आपको सेम यहां पर मेरा है 36 स्क्वायर होना चाहिए और माइनस होना चाहिए माइनस 36 स्क्वायर, मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्लस 9x और माइनस 4x करेंगे तो ये मेरा काम हो जाएगा। अब यहां पर कॉमन लेंगे इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है कॉमन आपका 3 है और x है
तो इसमें से 3x निकलेगा तो 2x बच जाएगा आपका, और यहां 3x निकलेगा तो बचेगा आपका 3। ओके, और यहां पर अगेन यहां पर माइनस लेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो यहां पर 2 लेंगे तो 2x बचेगा, और यहां माइनस ले लिया आप तो ये साइन प्लस हो जाएगा और यहां बचेगा 3। अब इसमें और इसमें आप कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 ले लिया और यहां जो बच गया आपका क्या 3x माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। लास्ट यहां पर है 4 3 12, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो देखो आप यहां पर हम कर रहे हैं इसको, हाँ स्प्लिट कर रहे हैं 3x स्क्वायर, और आना यहां माइनस एक्स होना चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्लस 3x और माइनस 4x, देखो मतलब मेरा स्प्लिटिंग सही है। तो अब यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर 3x दोनों में कॉमन है, इसमें हम कॉमन लेंगे फिर इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है 3x है, और यहां क्या बचा x प्लस 1, 3x निकल गया तो 1, और यहां पर भी माइनस हमने लिया और इसमें कॉमन क्या है 4 आपको दिख रहा है, तो 4 लेंगे तो यहां क्या बचेगा x, और यहां चूंकि माइनस साइन आप बाहर ले लिए तो यहां साइन प्लस हो जाएगा 1। अब यहां और यहां में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है x प्लस 1, तो आपका हो जाएगा x प्लस 1 और जो बच गया 3x माइनस 4 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फैक्टराइज, बट इसको हम फैक्टराइज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके नहीं। ओके, सो लेट सी क्वेश्चन नंबर 1, ये है x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप सीधा ये कर सकते हो, इन दोनों में आप फैक्टर ले लो और इन दोनों में आप फैक्टर ले लो जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इन दोनों में, तो एक्स स्क्वायर इसमें से जब आएगा तो यहां का क्या बचेगा एक्स माइनस 2, और यहां पर माइनस साइन है तो माइनस, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो 1 जब लेंगे तो यहां होगा एक्स, और ये प्लस है तो यहां पर जब माइनस लिया है तो ये साइन क्या हो जाएगा अपोजिट। नाउ अब इन दोनों में यहां से यहां तक इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या है, इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 को कॉमन यहां ले लेंगे। ओके, और फिर यहां क्या बचा, इसमें बचा एक्स स्क्वायर, ओके, और यहां क्या बच गया माइनस 1, ये हो गया फैक्टराइज, फैक्टर के फॉर्म में आ गया, ये पहला फैक्टराइजेशन। ओके, 2 में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अब इसको एक्चुअली लिखने का जो फॉर्मेट है थोड़ा हम अलग तरीके से अप्लाई करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा फैक्टराइजेशन, जैसे यहां पे देखो आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब, और इस माइनस 3x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करोगे ना यू विल गेट माइनस 3x स्क्वायर, बोलो आपने सर ऐसा किया क्यों, क्योंकि मेरे को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं, मेरा फैक्टराइजेशन ये हो जाए। सिमिलरली यहां पर भी माइनस 9x को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 5x, ये माइनस 4x और माइनस 5x जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 9x हो जाएगा और ये होगा माइनस 5। ओके, अब जब इतना हो गया तो अब आप क्या करोगे, अब आप कॉमन लेना शुरू करोगे, किसमें किसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो लेट्स सी, यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स प्लस, और एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ 1। ओके, और यहां पर होगा माइनस 4x, तो माइनस 4x ले लेंगे, और माइनस 4x लेने के बाद यहां क्या बचेगा x, और यहां पर माइनस आ गया तो अब ये साइन प्लस हो जाएगा। ओके, और ये 4x तो कॉमन आ गया है तो यहां बचेगा x प्लस 1। सिमिलरली यहां पर हम माइनस 5 लेंगे क्योंकि कॉमन इन दोनों में क्या है 5 है, तो यहां बच जाएगा x और ये साइन माइनस है तो हो जाएगा प्लस और ये 1। अब देख रहे हो, फाइनली आप देख रहे हो कि सब में x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 को आपने क्या करना है कॉमन लेना है, और जो बच गया अंदर लिखना है, तो यहां क्या बचा x स्क्वायर बचा, यहां माइनस 4x बचा और यहां माइनस 5 बचा। अभी इसको और फैक्टराइज करना होगा, अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट यहां पर हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट इसको फैक्टराइज करने के लिए, तो यहां पर हम लगाते हैं x प्लस 1, और यहां पे देखो आप यहां पे x स्क्वायर माइनस 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं हम, तो मेरा a और c मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 5x स्क्वायर, मिडिल टर्म में स्प्लिट के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा माइनस 5x स्क्वायर आ जाए, और इसको कैलकुलेट करें यहां पे, ओके, तो ये मेरा माइनस 4x है, उसके लिए हम माइनस 4x को माइनस 5x प्लस x लिख सकते हैं, इसके बाद जो लास्ट में 5 बचा वो लिख लेंगे। ओके, अब यहां पर आप देखो, यहां पर आप x प्लस 1 ये कॉमन रहेगा, अभी
अब यहां पे क्या करेंगे, ये अगेन अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो एक्स जब कॉमन आएगा माइनस फाइव, और यहां पर प्लस वन कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स माइनस फाइव, ओके राइट, ओके अगेन अब आप यहां पर देख लो एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव कॉमन तो एक्स माइनस फाइव यहां आ जाएगा, ओके और बचा के यहां पर एक्स और ये वन, तो ये बचेगा एक्स प्लस वन, दैट्स इट, ओके और यहां पर मेरा पहले से ही एक फैक्टर था क्या, एक्स प्लस वन, ये हटा दो आप, तो ये इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन, एक फैक्टर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा फाइनल। थर्ड एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी, तो अगेन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखते हैं हम क्या, यहां पर हम करेंगे एक्स क्यूब और प्लस, अब थर्टीन एक्स स्क्वायर को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, और अगेन यहां पे थर्टी टू एक्स को कैसे हम स्प्लिट करेंगे, इसको करेंगे ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स, और लास्ट का ट्वेंटी यहां ट्वेंटी रह जाएगा ट्वेंटी, ओके अब हम इन दोनों में डबल डबल जो कपल बना करके हम इसमें कॉमन लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें से एक्स स्क्वायर जब कॉमन आएगा आपका तो क्या बचेगा, यहां पर एक्स प्लस वन और यहां पर कॉमन होगा ट्वेल्व एक्स, तो ट्वेल्व एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, यहां पर एक्स प्लस वन और यहां ट्वेंटी कॉमन लेंगे तो क्या बचा, एक्स प्लस वन, आप देखो हो जाएगा, अब सब में देख रहे हैं कॉमन क्या है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, इसको हम कॉमन अब लेंगे, तो एक्स प्लस वन हम यहां कॉमन ले लिया, अब हमारा बचा क्या अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स ओके प्लस ट्वेंटी, ये हुआ। अब फाइनली अब इसमें फिर हम इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके इसको इसका और फैक्टर निकालेंगे, ओके तो यहां पे एक्स प्लस वन, अब यहां पर इसका हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म कितना है ट्वेल्व एक्स है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन ट्वेल्व ट्वेंटी एक्स स्क्वायर रहेगा, तो स्प्लिट हम कैसे करेंगे कि यू नो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद ट्वेल्व एक्स आए और मल्टीप्लाई करने पर ट्वेंटी एक्स स्क्वायर है, तो ये स्प्लिट होगा टू एक्स प्लस टेन एक्स, देखो इसका मतलब मेरा स्प्लिट सही है, एक्स स्क्वायर प्लस और यहां पर ट्वेंटी, ठीक है अब हम लेते हैं इसको कॉमन, ये तो हमारा एक्स प्लस वन अभी चलेगा, ओके और यहां पर अभी कॉमन लेंगे क्या इन दोनों में एक्स, तो यहां क्या बचेगा एक्स प्लस टू इन दोनों में कॉमन और फिर इन दोनों में कॉमन, तो यहां पर क्या लेंगे हम कॉमन टेन, तो यहां पर क्या बचेगा एक्स प्लस टू, ओके ये फाइनली अब आप देखो एक्स प्लस वन और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर जब लेंगे तो एक्स प्लस टू इन दोनों में कॉमन क्या एक्स प्लस टू है यहां गया और यहां क्या बचेगा एक्स प्लस एक्स प्लस टेन टेन, तो ये आपका फाइनल हो गया, ओके फोर टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन, तो लेट सी इसको भी सेम हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा सा आपको सोचना होगा, तो देखो अब यहां पे क्या है बच्चों टू वाई स्क्वायर क्यूब तो लिख लेंगे, अब यहां पर वाई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखना जरा टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरह से यहां पर माइनस टू वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस टू वाई को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां पर चाहिए माइनस थ्री वाई, माइनस थ्री वाई ओके प्लस वाई और यहां पर आपका माइनस वन फाइनल जो लास्ट बचा वो, अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे कपल बना करके पेयरिंग में ऐसे, अब इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा, मेरा कॉमन है टू वाई स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा वाई और यहां बच जाएगा माइनस वन, ओके सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या है थ्री वाई, तो थ्री वाई जब आप कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा वाई माइनस वन और यहां कॉमन अगेन वन है, तो वन जब कॉमन लेंगे वन तो क्या बचेगा वाई माइनस वन, देखो अब सब जगह कॉमन क्या होगा, क्या हो गया वाई माइनस वन वाई माइनस वन वाई माइनस वन, तो इसको आप लेकर आगे बढ़ेंगे, हाँ वाई माइनस वन यहां पर आप कॉमन ले लो पहले वाई माइनस वन और इसके बाद जो बचा टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई ओके प्लस वन ऐसे, अगेन अब यहां पर आपको एक बार और फैक्टराइज करना होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसे, तो यहां पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन टू वाई स्क्वायर रहेगा और बीच में थ्री वाई है, तो आप दिख रहा है मुझे कि कैसे इसको स्प्लिट करेंगे ताकि इसका कैलकुलेशन करने पे थ्री वाई है और मल्टीप्लाई करने पे टू वाई स्क्वायर है, तो यहां पर सिंपली टू वाई प्लस टू वाई आप लिख सकते हो उसको, तो इसको मल्टीप्लाई टू वाई स्क्वायर हो जाएगा और एड करेंगे तो थ्री वाई आ जाएगा, मतलब मेरा स्प्लिटिंग जो है सही है, ओके और अब इसको लीड करेंगे आगे, जो पेयर बना ऐसे इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहां पर हम कॉमन क्या लेंगे टू वाई
तो यहां बचेगा मेरा y प्लस वन और यहां पर कॉमन होगा वन, वन लेंगे तो यहां पर y प्लस वन, ओके। और ये तो मेरा रहेगा ही बार में y माइनस वन। फाइनली हम देख लेते हैं y माइनस वन तो है मेरा, अब इसमें कॉमन क्या हो गया y प्लस वन और y प्लस वन, तो यहां पर y प्लस वन आप एक लिख लो और एक उसके बाद क्या बच जाएगा यहां पर एक और फैक्टर 2y प्लस वन एंड दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 2.3। अगला लेसन 2.4 का वीडियो जो है जल्दी मैं अपलोड करूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। थैंक यू।